ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे विनिमित क्षेत्र के अंतर्गत जो भूमि है इसका लैंड यूज वनीकरण है और इस पर गुलाम अतहर और उनकी पत्नी हसमत जहां के नाम से इस एक संरचना का निर्माण कराया गया था जिसमें व्यावसायिक उपयोग लिया जा रहा था। क्योंकि इसका लैंड यूज वनीकरण है इसलिए मेरे न्यायालय में एक वाद दर्ज हुआ। वाद दर्ज होने के पश्चात सुनवाई करके गुणदोष के आधार पर इसको ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है जिसके क्रम में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। क्या क्या गिराया गया है आप देख सकते हैं कि ये पूरे एक यहाँ पर व्यावसायिक उपयोग के लिए दो दुकानें थी, इसके अतिरिक्त काफ़ी दूर तक एक बाउंड्री वॉल करके घेरेबंदी की गई थी। आज सभी जो भी स्ट्रक्चर था उसको यहाँ पर हटाया गया है। देखिए ये पूरा जो भी वनीकरण है तो आप देखें इससे पहले भी इस पूरे क्षेत्र में पहले भी लगातार कार्रवाई हुई है। जैसे जैसे केस का निर्णय होता जा रहा है और विधिक प्रक्रिया का पूरी होती जा रही है उसी तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हर एरिया का ना जैसे कि लैंड यूज अलग अलग है तो जहाँ पर वनीकरण है या जहाँ पर सिंचाई विभाग की जमीन है जहाँ जो भी अभी तक निर्माण है उसको गिराया जा रहा है। ये तमसा नदी के किनारे वनीकरण की भूमि है जिसपे स्ट्रक्चर खड़ा करके व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा है था। उसको सिक्किम स्टेट महोदय के न्यायालय में इसका विचारण हुआ है, फिर नियमानुसार उनके द्वारा आदेश पारित किया गया है, उसी के क्रम में ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम हुआ है। सर किसके द्वारा ये अतिक्रमण किया गया था, कौन कौन लोग थे? ये मुस्लिम परिवार थे, अभी सिक्किम स्टेट साहब ने आपको बताया था, उन्हीं के द्वारा किया गया है। ये आप देख रहे होंगे कई मकान जो उन्होंने अनधिकृत रूप से बनाया था उसका ध्वस्तीकरण हुआ है। बाकी अभी न्यायालय में उनकी प्रक्रिया चल रही है, जैसे जैसे आदेश निर्गत होंगे तदनुसार कार्रवाई होगी। कार्रवाई आपने देखा ही साक्षात ध्वस्तीकरण हो गया तो नहीं मानेगा ध्वस्तीकरण होगा, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होंगे तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी।